खूंट कोसी नदी के पार पंतों का पुश्तैनी गांव है। अल्मोड़ा से करीब 12 मील दूर लगभग समान ऊंचाई पर बसा गोविंद वल्लभ पंत का इस गांव से संबंध एक आकस्मिक घटना ही थी। यहीं उनका जन्म 10 सितंबर 1887 को हुआ, लेकिन जीवन पर्यंत फिर वहां जाने का संयोग न बन सका। कुमाऊं का समाज उन दिनों कई तरह की विषमताओं से ग्रसित था। अंग्रेजों की अधीनता, कुली बेगार प्रथा, अशिक्षा, छुआछूत एवं भयावह आर्थिक असमानता। अपनी शासन प्रणाली की व्यवस्था को छोड़कर अंग्रेजों ने भी यहाँ के पिछड़ेपन को दूर करने की कभी कोई चेष्टा नहीं की। अंधकार बना ही रहा। बालक गोविंद का आरंभिक अक्षर ज्ञान जोशी जी के संरक्षण में ही हुआ। सन 1897 में उनको स्थानीय रामजे कॉलेज में प्राथमिक पाठशाला में दाखिल करा दिया गया। रामजे कॉलेज की स्थापना ईसाई मिशनरियों द्वारा रामजे साहब के प्रयत्नों से हुई थी। इंटर की परीक्षा के समय गोविंद गंभीर रूप से बीमार पड़ गए, जिससे उनके अध्ययन में काफी व्यवधान पड़ा। ये परीक्षा उन्होंने द्वितीय श्रेणी में पास की। उनका स्वास्थ्य संतोषजनक नहीं था, इसलिए परिवार वाले आगे की शिक्षा के लिए उनके बाहर जाने के खिलाफ थे, किंतु गोविंद कृत संकल्प थे और अंत में इस आश्वासन पर कि यदि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा तो वे वापस लौट आएंगे, उन्होंने घर वालों की अनुमति ले ली। शगुन, लगन, दिन, वार इत्यादि का पूरा विचार करने के पश्चात श्रावण की संक्रांति के दिन, जिसे कुमायूं में हरियाला कहते हैं, गोविंद ने इलाहाबाद के लिए प्रस्थान किया। गंगा यमुना के पावन संगम पर बसा इलाहाबाद देश के सबसे प्राचीन नगरों में एक है। ये हिंदुओं का पुरातन तीर्थ है, जहां प्रत्येक 12वें वर्ष कुंभ का मेला लगता है। इलाहाबाद उन दिनों भारत की कई विभूतियों का संगम था। श्री मोतीलाल नेहरू, श्री मदन मोहन मालवीय, सर तेज बहादुर सप्रू, श्री सतीश चंद्र बैनर्जी और श्री सुंदरलाल जैसी महान विभूतियों तथा प्रोफेसर कॉक्स, जेनिंग्स जैसे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के विद्वानों के नाम उल्लेखनीय हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1807 में हुई थी। यहाँ का म्यूर सेंट्रल कॉलेज देश की शीर्ष संस्थाओं में रहा है। अभी ये कॉलेज विश्वविद्यालय का सर्वप्रथम संघटक कॉलेज बना। यहाँ प्रोफेसर कॉक्स, जेनिंग्स और सोराब जी जैसे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विद्वानों ने अध्यापन किया है। गोविंद के साथियों में डॉक्टर कैलाशनाथ काटजू, आचार्य नरेंद्र देव, श्री फजल अली तथा हरगोविंद पंत के नाम उल्लेखनीय है। विश्वविद्यालय के ही प्रांगण में स्थित मैकडोनल हिंदू हॉस्टल में गोविंद रहते थे। देशव्यापी असंतोष की स्थिति का विद्यार्थियों पर गहरा असर था। छात्रावास के जीवन ने गोविंद के व्यक्तिगत, सामाजिक और राजनैतिक मानस पटल पर अमिट छाप छोड़ी। ये भी एक संयोग ही था कि गोविंद जिस महीने इलाहाबाद पहुंचे, ठीक उसी महीने 20 जुलाई 1905 को ही बंग भंग की सरकारी घोषणा हुई, जिसने हजारों नवयुवकों को अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध छेड़ने की प्रेरणा दी। बीसवीं सदी की शुरुआत भारतीय राजनीतिक गगन में बड़े बड़े आंधी तूफानों के साथ हुई। बंग भंग के प्रश्न पर सारे भारत में तीव्र आक्रोश तो था ही, करजन और मिंटो द्वारा लागू किए गए दमनकारी कानूनों की मार ने इसे और भी सुलगा दिया था। इस बीच सुरेंद्रनाथ बैनर्जी के नेतृत्व में शुरू किया गया विदेशी वस्त्रों और अंग्रेजी शिक्षा के बहिष्कार का आंदोलन देश के कोने कोने में फैल गया। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, संयुक्त प्रांत तथा पंजाब, सभी प्रांत इसकी चपेट में आ गए। लोकमान्य तिलक और लाला लाजपत राय के निर्वासन ने जनता के क्रोध में घी का काम किया। भारत के बुद्धिजीवी और जागरूक वर्ग में हर घटनाओं की तीव्र प्रतिक्रिया हुई। 16 अक्टूबर 1905 को जनता के तमाम विरोध के बावजूद
पूर्वी बंगाल के नए सूबे को जन्म दिया गया। क्यों? सिर्फ इसलिए कि बंगाल के निवासियों के दिलों में दरार पैदा की जाए, फूट पैदा की जाए और वे शांति और भाईचारे से न रह सके। इतना ही नहीं, आज हमारी संस्कृति की खिल्ली उड़ाई जा रही है। पश्चिमी शिक्षा के नाम पर हमारी संस्कृति, हमारी भाषा, हमारे धर्म को तुच्छ और घटिया बताया जा रहा है। और उसी दिन गोविंद ने गंगा का पवित्र जल लेकर संगम की पावन स्थली में आजीवन देश सेवा का व्रत लिया। यदि देश हित मरना पड़े मुझको सहस्त्रों बार भी, तो भी न मैं इस कष्ट को निज ध्यान में लाऊं कभी। हे ईश भारत वर्ष में शत बार मेरा जन्म। दिसंबर 1905 में भारतीय कांग्रेस का अधिवेशन बनारस में हुआ। गोविंद और उसके साथी हर गोविंद पंत कांग्रेस के स्वयं सेवक बनकर बनारस अधिवेशन में गए। इस ऐतिहासिक अधिवेशन का सभापतित्व श्री गोपाल कृष्ण गोखले ने किया। उन्होंने करजन राज की आलोचना करते हुए कहा, ऐसे शासन का उदाहरण ढूंढने के लिए हमें अपने देश के इतिहास में औरंगजेब के शासन काल तक पीछे लौटना होगा। बंग भंग के परिणामों के बारे में माननीय गोखले ने कहा, नृशंस और निर्बाध नौकरशाही के दमन चक्र का बंगाल ने जिस साहस के साथ सामना किया है, उससे सारा भारतवर्ष आनंदित और कृतार्थ हो उठा है। सहानुभूति और राष्ट्रीय आकांक्षाओं के कारण देश के विभिन्न भाग एक दूसरे के निकट आ गए हैं।